दोस्तों हमारे एमएस ठाकुर चैनल रॉक्स पर। जैसा कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। जानकारी आज की हमारी है, आज का वीडियो हमारी गौ माता के लिए है। जैसे कि आप बीमारी भारतवर्ष में एक लंपी स्किन वायरस के चलते हुए हमारी गौ माता हमारी काफ़ी प्रताड़ित है, क्योंकि ये वायरस भारत में सबसे पहले पश्चिम बंगाल में आया था, जिसके बाद ये वायरस हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और काफ़ी राज्यों में ये वायरस काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। ये वायरस अपनी हमारी गौ माता को काफ़ी चपेट में लेकर, इसकी चपेट में आकर हमारी गौ माता 2 से 4 दिन में अपनी दम तोड़ देती हैं। इस वायरस के लिए हमें कुछ आगे आकर सभी लोगों से प्रार्थना करते हैं, इस वायरस को हमें गौ माता को बचाने के लिए सभी को एकत्रित होना होगा और ऐसी गौ माता मिलती है उन्हें आइसोलेट करके एक जगह पर रखना होगा, जिससे कि ये वायरस किसी दूसरी गौ माता में न जाए और हमारी गौ माता सभी सुरक्षित रहें। जानेंगे इन गौ माता के, बनी रही है हमारे वीडियो में, इसके लक्षण क्या है और ये बीमारी कैसे फैलती है इसके बारे में हम सौरभ सिंह परियार से जानते हैं। हाँ तो भाइयों, इस बीमारी के लक्षण हम आपको विस्तार से बताएंगे। इस बीमारी के लक्षण विशेष रूप से गाय के आँख से आंसू आना, मुंह से लार आना, तेज़ी से बुखार आना, शरीर का वजन कम होना और दूध का कम होना और शरीर में कुछ हल्की हल्की सी गांठें होना, तो यह लक्षण लंपी वायरस के बताए जाते हैं। कुछ डॉक्टरों का यह भी कहना है कि कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर डाले हैं कि इस गाय ऐसी गायों का दूध पीने से उनकी मृत्यु हो रही है और उनको भी ऐसी छोटे छोटे फोड़े हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, डॉक्टरों का कहना है कि इस बीमारी से किसी इंसान को कोई खतरा नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि यहाँ भी ऐसी कोई लंपी वायरस पीड़ित गाय दिखती है तो उसका चारा, सेवन, खाना पीना जो भी है सब अलग किया जाए और दूसरी गायों के साथ ना बांधा जाए खूंटे से, जिससे क्या है यह बीमारी अधिकतर नहीं फैलेगी। और इस बीमारी का इलाज भी हमारे कुछ वैद्यों ने ढूंढा है। इस बीमारी का इलाज यह है कि कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बताए गए हैं और कुछ मेडिकल शॉप वालों ने भी इसके लिए एक दवा तैयार की है। और इंग्लिश दवाई की बात करें तो एलएचटी केयर एक नाम की एक शीशी आती है मेडिकल, आप अपने नज़दीकी मेडिकल शॉप से भी ले सकते हैं। तो इससे उसकी थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलाकर चार घास, हरी घास, आटे, दलिया किसी भी रूप में आप उसको एक 50-50 ग्राम की टिकिया बनाकर देंगे तो इस बीमारी से लड़ने की गाय को शक्ति मिलती है। अधिकतर लोगों का यह भी कहना है कि इस बीमारी को बचाए जाने के लिए देसी दवाई जैसा कि 200 ग्राम काला नमक, 200 ग्राम सलाय पानी, 200 ग्राम मुलेठी, 200 ग्राम काला नमक तो हो ही गया, खैर 200 ग्राम आंवला कच्चा होना चाहिए, आंवले का तेल नहीं, तो इसका सभी को एकत्रित करके एक जगह कूटो इसको। और इसको कूटने के बाद दोस्तों इसके अब 200 ग्राम की सभी की सामग्री थी तो इसको कूटने के बाद आपको 50-50 ग्राम की एक छोटी छोटी सी टिकिया बना के गाय माता को आटे में लपेट कर देने चाहिए, जिससे और उन्हें अधिक बीमारी से लड़ने की शक्ति मिलेगी। अभी तक डॉक्टरों का प्रयास जारी है तो कुछ कंट्रोल में भी है और कहीं किसी जगह पर कहर भी मचा रही है यह बीमारी। अधिकतर लोगों ने यही कहा है कि अभी तक इस बीमारी का कोई तोड़ नहीं है। तो भाइयों, हमने जो इस वीडियो के माध्यम से आपको दवा बताई है आप उसका प्रयास कर सकते हैं। यह हमारा भी दावा नहीं है कि इस दवाई से आप गाय माता को बचा सकते हैं, बस यह एक अनुशासनी वीडियो है जिसकी जानकारी हमने कुछ वैद्य और कुछ डॉक्टरों के द्वारा दी है। तो अधिकतर लोगों का यही मानना है कि अभी अगर दवा नहीं बनी है तब तक अपन यही ट्राई कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही जानकारी के लिए, तब तक देखते रहिए एमएक्स ठाकुर रॉक्स।